Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hanuman sir. Happy birthday to you. Thank you. Shambhu ji. Thank you, sir. Ajay. Anji. Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. वैसे आज शाम को माँ ने आप सबको घर पे बुलाया है ताकि देसी तरीके से हमारा जन्मदिन मना सके. पहले पूजा होगा उसके बाद माँ के हाथ का बना हुआ खीर पूरी खाएंगे हम. अरे वाह 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 मियाँ, इसका तो इंतजार रहता है हमेशा हर साल. बस आज शाम को वो मिनिस्टर सोरेन की जो हाई लेवल की मीटिंग है ना वो ठीक से निपट जाए तो समझो शाम कट गई अच्छी. सर चिंता मत करिए, उस मीटिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएफ टीम को मिली है, कोई गड़बड़ नहीं होगी सर. अच्छा जाए, वो जो तुम हाई लेवल की ईयर पीस बनाने वाले थे इससे दूर दूर तक सुनाई पड़ने वाला है, वो हो गए? ए रहे आप सभी के एमपीसीएस. हेलो हेलो हेलो, तुम वो बाहर जाके देखो जरा, अब धीमे बोलना. हाँ सुनाई पड़ रहा है. अरे बाप रे. हेलो शंभू जी, क्या हुआ, ये आवाज कैसी? एक वैन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये इसके ऑफिस में घुस गया सर. दुनिया कौन चला रहा है? सर गोलियां तो गाड़ी के अंदर से चल रही. सर ये वैन पे समर्थ ब्लाइंड्स को लिखा हुआ ये क्या? सर गाड़ी के अंदर नीचे इन बच्चे दिख रहे हैं. खबरदार कोई वैन के नजदीक आया तो. ओ भाई साहब एक मिनट फायर मत करना. कौन सी जगह है ये? ये कौन सी जगह है ये? ये सीआईएफ का ऑफिस है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स का. आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए. समझ सका, मैंने जो ये लोग है ना कहां से जाएंगे? नहीं एक मिनट भाई साहब, देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं. आप लोगों को कुछ चाहिए तो बता दो, हम आपकी मदद कर देंगे. बड़ा बक, दिन भर साला वीडियो देखते रहता है, बैटरी नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? फोन का इंतजाम करो. हाँ और हाँ बहुत सारा अखबार भी. अच्छा कुछ और भी चाहिए तो बताओ. फिलहाल जो कहा है उतना अरेंज करो. हाँ बाद में बताएंगे और कुछ चाहिए तो. ओके यार हनुमान, ये तो बड़ी खतरनाक हॉस्टेज सिचुएशन दिख रही. हाँ सर, ऐसा लगता है ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को कहीं से अगवा करके ले जा रहे थे गाड़ी में और गलती से यहाँ पे सीआईएफ के कंपाउंड से आके गाड़ी. तो इन लोगों को हम लोग फोन दे रहे हैं, तुम उस फोन की रिकॉर्डिंग की तैयारी करो. ओके शंभू जी, आप जरा समझ ब्लाइंड स्कूल जाओ और वहाँ पता करो कुछ बच्चे किडनैप हुए हैं, हो सके तो बैंक के ड्राइवर से मिलो. हमारी शार्प शूटिंग मिस्टेक दिखाने का वक्त आ गया है. चरस पे जाओ और वहाँ से इन किडनैपर्स को निशाने पे लो, फिर देखते हैं. ठीक है, हम लोग वो अखबार लेके आ रहे हैं. है? फोन और अखबार उधर ही रख और पीछे बोले.
नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? इंस्पेक्टर हनुमान पांडे। हनुमान। हमारा नाम माइकल। परी। हमारा साथी जैक्सन। समझे का? माइकल जैक्सन। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ओके सर। आपके लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में। हाँ, सीधे आगे। अखबार यहाँ नीचे है। और ये मोबाइल फोन। इन पर नजर रखो, मैं इनका फोन कॉल सुनने की कोशिश करता हूँ। हाँ जाए, तब रेडी है? यस सर। बैठो बैठो। हाँ सर, वो लोग नंबर डायल कर रहे हैं। बाय द वे, मैंने सभी टीम मेंबर्स के एयरपीस कॉल से कनेक्ट कर दिए, अब सब लोग एक साथ उनको सुन सकते। गुड जॉब। ये कहाँ का नंबर है? पता नहीं सर। साहब, मैं भोला बोल रहा हूँ। ब्लाइंड स्कूल के बच्चे हमारे कब्जे में हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। वैन का ब्रेक फेल हो गया था और वैन आउट ऑफ कंट्रोल होके गलती से CIF के बिल्डिंग में घुस गया। अब हम क्या करें? बेवकूफ, अपने आप को दलदल में फंसा लिया है। अब दलदल से खुद ही निकलो या फिर मरो। यहाँ कॉल मत करना दोबारा। लेकिन साहब, हम क्या? साहब, कहाँ का नंबर है, कुछ पता चला? पता नहीं सर, ये कॉल 3 देशों से रिड्यूट हो कराए। ये नंबर भी अजीब सा है, लेकिन मैं इसको ट्रेस करने के लिए ट्राई करता हूँ सर। हनुमान, जिनको भी इन लोगों ने कॉल किया था, उन लोगों ने तो पल्ला झाड़ लिया। अब वक्त आ गया है उनके साथ थोड़ा हमदर्दी जताने का। जैक, यप। हम लोगों ने जो फोन दिया ना उनको, उसको कनेक्ट करो, मुझे उनसे बात करनी है। कूल। हाँ भाई, मैं इंस्पेक्टर अली बोल रहा हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा मतलब, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ चाहिए हो आपको, कोई कुछ डिमांड आपकी हो? ए, हमको सोचने दे भाई, दिमाग की नस मत खींच। नहीं, आप सोच लो, सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए सोच लो। मैं तो बस आपकी मदद करने की सोच रहा था। अच्छा, जब तक आप सोच रहे हो, तब तक आप 2-3 बच्चों को बाहर भेज दो। इनको छोड़ने के बदले में क्या मिलेगा हमें? अरे आप भूखे प्यासे होंगे महाराज, आपके लिए मैं चाय पानी की व्यवस्था कर देता हूँ, कुछ पिज्जा विज्जा मंगा देता हूँ। कुत्ता समझो का हमको? बिस्किट डाल दोगे और हम लोग दो मिलाने लगेंगे हैं? खाने के बदले तेरे को 3 बच्चे चाहिए? वाह, कमाल का सौदा बता रहे हो। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपको चाहिए क्या? हमको इंस्पेक्टर हनुमान चाहिए। अगर ये हमारे साथ आएगा तो हम 3 बच्चों को छोड़ देंगे, और पिज्जा भी चाहिए। हेलो, अरे सुनो तो, अरे ये क्या चक्कर? खतरा है ना? अब चिंता मत करिए सर, ये खतरा नहीं, ये तो हमारे लिए मौका है। मतलब सर?
अरे वाह 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 वाह, मुझे छोड़ के सब लोग पिज्जा खा रहे हो? अरे शंभू जी, ये पिज्जा हमारे लिए नहीं है, इन अपहरणकर्ताओं के लिए है। आपने कुछ पता किया? वो ड्राइवर बता रहा था कि जब उन बदमाशों ने वैन रोकी थी तो वैन में 3 बच्चे थे। 3 बच्चे? तो वैन के अंदर तो 6 बच्चे हैं। सर, ऐसा भी हो सकता है कि उन बदमाशों ने अगले स्टॉप से कुछ बच्चों को उठा लिया हो। ड्राइवर बता रहा था कि वो 6-7 अलग अलग जगहों से बच्चों को लेकर स्कूल जाता है। हो सकता है। यार अनमन, थोड़ा संभाल के भाई। सर आप चिंता ना करें, मेरे पास ये गन्स तो है ही, और मीनाक्षी के पास भी गन है। इस माइकल जैक्सन का खेल खत्म करके आते हैं। मीनाक्षी, जैसे मैं गाड़ी के अंदर घुसता हूँ, मौका मिलते ही मैं वो जो शीशे के ऊपर जो पेपर चिपका हुआ है उसे हटाने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त तुम रेडी? गुड, चलता हूँ सर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ संभाल के, आ जाओ। कौन है आप लोग और हमारे साथ क्या करने वाले हो? घबराओ मत बेटा, ये CIF का ऑफिस है, तुम लोग सेफ हो, ठीक है? क्या नाम है आप लोगों का? अनुज दास, बबन झा, बबलू फाटक। आपका क्या नाम है सर? मैं इंस्पेक्टर अली हूँ। बबलू, क्यों परेशान हो रहे हो? हैं? घबराओ मत, यू आर सेफ नाउ, समझे? परेशान मत हो बबलू, सब ठीक हो जाएगा। आइए हनुमान जी, आइए आइए, और अंदर आते ही जरा बहन का दरवाजा बंद कर दीजिए। जरा हम आपकी खातिरदारी तो करें। अरे बाप रे बाप, ये खिलौना हम रखते हैं, ठीक है? और तनिक कोई चालाकी करने की कोशिश ना करें, हैं? चलिए। आप लोग भूखे होंगे, ये गरम गरम है, ठंडा होने से पहले खा लीजिए। ले लीजिए, पिज्जा लीजिए। वैन में जो बाकी के 3 बच्चे थे लाइन स्कूल के, उन्होंने हनुमान सर पर हमला कर दिया। क्या? इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं माइकल और जैक्सन से? इंस्पेक्टर अली, इसे कहते हैं मत्ती भरम। असली अपहरण तो अब शुरू हुए हैं, क्योंकि CIF का ऑफिसर हमारे कब्जे में है। साहब को फोन कॉल, वैन का एक्सीडेंट सब नकली था। हमारी डिमांड क्या है तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नक्षी, टायर पे गोली मारो, टायर पे। हनुमान सर, हनुमान सर, सर मुझ पर गोलियां चल रही, लगता है किडनैपर्स के शार्प शूटर का ही छुपे हैं सर। अरे सर, हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर अली बोल रहा हूँ CIF से। पूरे शहर में नाकाबंदी चाहिए। UP 47 वाइन 7984 वाइट कलर की वैन है, उसको रोको किसी भी हालत में। जैक, जो गन हमने उनको दी है ना, उसकी लोकेशन ट्रैक करो जल्दी। सर, मैंने आसपास की बिल्डिंग चेक किया सर, उन शार्प शूटर्स का कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें सर? हनुमान को जो हमने गन दी है ना, उस पर भी ट्रैकिंग डिवाइस लगी है,
एक बार लोकेशन ट्रैक हो जाए अगले नाके पे पकड़ लेंगे उन लोगों को। ये गया फोन और ये गई रिवॉल्वर। तो मैंने इनके स्कूल में कॉल करके इनकी आईडी चेक करवा लिया। ये ब्लाइंड स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनके घर का पता भी चल गया। क्या यार बबलू, तुम अभी भी रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हम तुम लोगों को घर भेज देंगे, ठीक है? सुशांत, इन सबको घर छोड़ कर आओ। लेकिन सर, मेरे जाने से यहाँ मैन पावर की कमी तो नहीं हो जाएगी? चिंता मत कर सुशांत, मैं डीएसपी साहब को फोन करके उनसे एक लार्ज स्केल पे सर्च ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम लेके जाओ इनको। ठीक है सर। जाओ बेटा। आइए आइए आप लोग।